उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। बजट प्रतिबंध और बजट सेट जैसे शब्दों को समझने में, ये जानने में कि दो वस्तुओं के बीच विस्थापन की दशा में बजट रेखा प्रवणता का पूर्ण मूल्य किस प्रकार मापा जा सकता है। बजट रेखा पर क्षैतिज और लंबवत अंतःखंडों के बारे में जानने में, उपभोक्ता की अधिमान वस्तु की मात्रा और आय में वृद्धि के बीच अंतर संबंध को जानने में, ये जानने में कि कीमत परिवर्तन के कारण बजट रेखाएं ऊर्ध्वाधर अंतःखंडों के भीतर और बाहर की ओर महत्वपूर्ण बदलावों के साथ किस प्रकार ढाल प्रवण और समतल हो जाती हैं। ये जानने में कि उपभोक्ता बंडल सेट में अपने अधिमानों का श्रेणीकरण कैसे करता है। उपभोक्ता के एक दिष्ट अधिमानों के बारे में जानने में, विस्थापन दर और विस्थापन की घटती दर के बारे में जानने में, अधिमान वक्र की प्रवणता और विस्थापन दर के बीच अंतर संबंध को जानने में, ये जानने में कि अधिमान वक्र के संबंध में अधिमानों की एक दिष्टता का क्या तात्पर्य है, विस्थापन की सीमांत दर की अवधारणा के बारे में समझने में, उपभोक्ता के अधिमानों के उपयोगिता प्रदर्शन और उपयोगिता फलन के बारे में जानने में, ये समझने में कि उपभोक्ता का सबसे अधिमानित बंडल बजट रेखा पर स्थित होगा, ये जानने में कि इष्टतम बंडल बजट रेखा के उस बिंदु पर किस प्रकार स्थित होता है जहां बजट रेखा अनधिमान वक्र के लिए स्पर्शजन्य होती है, ये जानने में कि मांग फलन के ग्राफीय प्रदर्शन मांग वक्र कहलाता है, ये जानने में कि वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर विस्थापन और आय प्रभाव उस वस्तु की मांग पर कैसे प्रभाव डालते हैं, ये जानने में कि सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग का नियम किस प्रकार व्यवहार करता है, ये जानने में कि बाजार मांग की गणना कैसे की जाती है। उपभोक्ता का बजट। बजट सेट। एक बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे एक उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। ये सेट बजट रेखा द्वारा प्रतिबंधित होता है। उपभोक्ता की क्रय क्षमता और वस्तुओं की कीमतों के बीच असमानता या अंतर को बजट प्रतिबंध कहते हैं। इसलिए विद्यमान बाजार मूल्यों में उपभोक्ता जिन जिन वस्तुओं को भी खरीद सकता है वे बजट सेट में सम्मिलित की जाती हैं। बजट रेखा। आरेख द्वारा व्याख्या किया जाए तो बजट रेखा की प्रवणता पूरी बजट रेखा पर एक वस्तु की प्रति इकाई परिवर्तन की स्थिति में दूसरी वस्तु में हुए परिवर्तन की मात्रा का मापन करती है। जब उपभोक्ता एक वस्तु या इसका एक हिस्सा किसी दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित करना चाहता है तो उसे पहली वस्तु के इकाई मूल्य और दूसरी वस्तु के इकाई मूल्य के अनुपात के बराबर व्यय को छोड़ना होगा। जब एक बिंदु एक ऐसे बंडल को दर्शाती है जिस पर उपभोक्ता अपनी पूरी आय से कम व्यय करेगा तो उपभोक्ता अतिरिक्त धन का उपयोग बंडल में उन वस्तुओं पर व्यय करने के लिए करेगा जिसमें दूसरी वस्तु की अपेक्षाकृत अधिक या पहली वस्तु के समान मात्रा हो। बजट सेट में बदलाव।
यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो ऊर्ध्वाधर अंतःखंड बढ़ता है और बजट रेखा के समानांतर बाह्य विस्थापन हो जाता है, जिसे उपभोक्ता द्वारा चुने गए उपलब्ध बंडलों के सेट में आए परिवर्तनों के दौरान देखा जा सकता है। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आ जाता है परंतु वस्तु का मूल्य समान रहता है, इस प्रकार बजट रेखा से परे कोई भी बिंदु एक गैर प्राप्य संयोजन दिखाता है। जब जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य बढ़ता जाता है और इस प्रकार बजट रेखा अधिक प्रवण हो जाती है, अर्थात ये ऊर्ध्वाधर अंतःखंड के आसपास आवक की ओर हो जाती है तथा क्षैतिजीय अंतःखंड गिर जाता है। उपभोक्ता का अधिमान। ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। ये सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। वो किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकता है। एक दिष्ट अधिमान। अर्थशास्त्र में ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। ये सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। दूसरे शब्दों में, वो दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है या तटस्थ रह सकता है। किन्हीं दो बंडलों में से उपभोक्ता सदा उसी बंडल को चुनता है जिसमें दोनों वस्तुओं में से कम एक की मात्रा अधिक होती है और दूसरी की मात्रा भी कम नहीं होती। इसे एक दिष्ट अधिमान कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच विस्थापन दर। विस्थापन दर दूसरी वस्तु की वो मात्रा है जब एक की कम मात्रा उपलब्ध होती है जिसे उपभोक्ता पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़ने को तैयार होता है। विस्थापन की घटती दर और अनधिमान वक्र। जब उपभोक्ता दूसरी वस्तु की तुलना में पहली वस्तु की ही अधिक से अधिक मात्रा लेना आरंभ कर देता है तो इन दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की दर कम हो जाएगी। रेखा चित्र द्वारा दिखाए जाने पर इस प्रकार की प्राथमिकताएं उत्तल प्राथमिकताओं की तरह दिखाई देती हैं। एक अनधिमान वक्र उन सभी बंडलों का अंतः संबद्ध बिंदु है जिनके प्रति उपभोक्ता सदा तटस्थ रहते हैं। अनधिमान वक्र कोई सीधी रेखा नहीं होता क्योंकि अधिकांश वस्तुओं के लिए विस्थापन की सीमांत दर, अर्थात जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु को छोड़ने का इच्छुक होता है, वो स्थिर नहीं होती। एक दिष्टता की प्राथमिकता ये दर्शाती है कि अनधिमान वक्र के ऊपर पड़ने वाला कोई भी बिंदु उस बंडल को दर्शाएगा जिसे अनधिमान वक्र पर स्थित सभी बंडलों से प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार अनधिमान वक्र के नीचे पड़ने वाला बिंदु अनधिमान वक्र पर स्थित सभी निम्न स्तरीय बंडलों को दिखाएगा। अनधिमान वक्र की आकृति और उपयोगिता। विस्थापन दर और अनधिमान वक्र की प्रवणता।
छोटे छोटे परिवर्तनों के लिए किसी भी बिंदु पर अनधिमान वक्र की प्रवणता का पूर्ण मूल्य उस विशिष्ट बिंदु पर उपभोक्ता के अधिमान की विस्थापन दर को मापता है। इसे विस्थापन की सीमांत दर MRS कहा जाता है। जब अधिमान एक दिष्ट होता है, अनधिमान वक्र पर एक वस्तु की मात्रा में आने वाली वृद्धि दूसरी वस्तु की मात्रा में आने वाली कमी का कारण बनती है। यही कारण है कि अनधिमान वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिमान एक दिष्टता अनधिमान वक्र के अधोमुखी प्रवणता में दिखाई पड़ता है। अनधिमान मानचित्र। ये माना जाता है कि अनधिमान वक्र में चित्रित बिंदु उपभोक्ता के विकल्पों के संबंध में एक ही श्रेणी के होते हैं। अधिमानों की एक दिष्टता ये दर्शाती है कि किन्हीं भी दो अनधिमान वक्रों के बीच ऊपर की ओर पड़ने वाले बंडलों को नीचे पड़ने वाले बंडलों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। उपयोगिता का प्रदर्शन और उपयोगिता फलन। उपभोक्ता के विकल्पों के संबंध में अनधिमान बंडल समान श्रेणी के होने चाहिए और फलतः अधिक अधिमान बंडलों को उच्च रैंकिंग प्रदान की जानी चाहिए। ये बंडलों की उपयोगिताओं को दर्शाता है और इन बंडलों को उनके उपयोगिता फलन की सहायता से उनकी उपयोगिता के आधार पर ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार अधिक अधिमान वाले बंडलों को कम अधिमान वाले या कम मूल्य वाले बंडलों की तुलना में उच्च उपयोगिता अंक मिलते हैं। लेकिन ये भी स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि समान अधिमानों की उपयोगिता अलग अलग प्रदर्शित हो सकती है, क्योंकि उपयोगिता अंक केवल अधिमानों को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उपभोक्ता का इष्टतम चयन। उपभोक्ता के अधिमान और अधिमान का इष्टतम बिंदु। अर्थशास्त्र में यहाँ मान लिया जाता है कि उपभोक्ता एक युक्तिशील व्यक्ति है और वो ये भली भांति जानता है कि उसके लिए कौन से बंडल उपयुक्त हैं और इस तरह वो अपने अधिमानों का निर्माण करता है। युक्तिशील उपभोक्ता की समस्या ये होती है कि वो अपने उपलब्ध बजट सेट को देखते हुए संभावित उच्चतम अनधिमान वक्र के बिंदु पर कैसे पहुंचे। यदि उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट हों तो बजट रेखा से नीचे किसी भी बिंदु पर कोई ऐसा बिंदु होता है जिसे उपभोक्ता अधिमानता देता है। बजट रेखा से ऊपर स्थित बिंदु उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होती, इसलिए उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा पर ही स्थित होता है। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा के ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा अनधिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय हो। प्रतिस्थापन की सीमांत दर और कीमतों के अनुपात की समानता। उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली इष्टतम वस्तु उस बिंदु पर स्थित है जहां कोई एक अनधिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श मात्र करता है, अर्थात अनधिमान वक्र की ढलान का निरपेक्ष मान मूल्य और मूल्य अनुपात वही बिंदु बन जाता है। हम जानते हैं कि वक्र की ढलान उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन की दर को दर्शाती है। संक्षेप में, अधिमान के सीमांत अनुपात से अधिक मूल्य अनुपात इष्टतम नहीं हो सकता। विकल्पों की समस्या।
कुछ मामलों में ये तर्क दिया जाता है कि उपभोक्ता का इष्टतम अधिमान उस बिंदु पर होता है जहां वो अपनी समग्र आय केवल एक दिन में एक ही वस्तु पर खर्च कर देता है। ये माना जाता है कि बजट सेट उपभोक्ता द्वारा चुना गया एक व्यवहार्य सेट है और विकल्पों की तरह ही संबंधित बाजार दरों में दो वस्तुओं के विभिन्न बंडल उपलब्ध होते हैं। मांग और मांग वक्र। मांग वक्र के कार्य। उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदना चाहता है, ये सदैव उस वस्तु की कीमत पर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर उसकी आय और उसकी रुचि और अधिमानों पर निर्भर करता है। उपभोक्ता की मांग वस्तुओं की उस मात्रा को दर्शाती है जो उपभोक्ता अन्य सभी घटकों के समान रहने पर विभिन्न कीमत स्तरों के अनुसार चुनता है। विस्थापन प्रभाव, मांग का नियम, रैखिक मांग और सामान्य, निम्न स्तरीय वस्तुएं तथा स्थानापन्न व पूरक वस्तुएं। जब उपभोक्ता कीमत परिवर्तन से पहले ही खरीदे जाने वाले बंडलों की खरीद को समायोजित करना चाहता है तो उसे विस्थापन प्रभाव कहते हैं। यहाँ कीमत परिवर्तन और उपभोक्ता की आय पहले की अपेक्षा समायोजित होने के कारण वस्तुओं की इष्टतम मात्रा भी बदल जाती है। मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उस वस्तु की कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। रैखिक मांग वक्र उस दर का माप करता है जिस पर कीमत के संदर्भ में मांग में परिवर्तन हो जाता है। सामान्य वस्तुएं साधारण नियम का अनुसरण करती हैं कि उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है। लेकिन निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है इन वस्तुओं की मांग घटती जाती है। पूरक वस्तुएं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि एक की कीमत में वृद्धि दूसरी की मांग को कम कर देती है। लेकिन स्थानापन्न वस्तुएं विपरीत नियम का अनुसरण करती हैं। मांग वक्र में शिफ्ट और मांग वक्र की दिशा में गति। किसी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं दिशा की ओर बढ़ता है। लेकिन पूरक वस्तुओं के लिए इसी स्थिति में मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। मांग वक्र मांग फलन का ग्राफीय चित्रण होता है, अतः कीमत में कोई भी परिवर्तन के फलस्वरूप मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। बाजार मांग। बाजार मांग वक्र की व्युत्पत्ति और दो रैखिक मांग वक्रों का जोड़। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है। बाजार मांग वक्र के लिए हम समस्तरीय संकलन प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों के समस्तरीय मांग वक्रों का ग्राफीय रूप में चित्रण करके भी बाजार मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। अलग अलग कीमत स्तर पर जब किसी व्यक्ति की मांग शून्य हो जाती है तो बाजार मांग समीकरणों को जोड़कर निकाली जा सकती है। मांग की लोच और स्थिर लोच मांग वक्र।
मांग की कीमत लोच एक अनुपात है और इसमें कोई इकाई नहीं होती है। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उस कीमत पर वस्तु की मांग बेलोचदार कही जाती है। जब ये बराबर होती है तब वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो उस कीमत पर वस्तु की मांग लोचदार होती है। एक रैखिक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच भिन्न होती है। कभी कभी मांग वक्र ऐसी स्थिति दिखा सकता है जहां मांग की लोच पूरी तरह से स्थिर रहे। ऐसे मांग वक्र के लिए कीमत में परिवर्तन कभी भी मांग में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। कीमत लोच का शुद्ध मान शून्य के बराबर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है। रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच का ज्यामितीय माप। ज्यामितीय रूप से समरूप त्रिकोणों के लक्षणों द्वारा मांग वक्रों की लोच को मापा जा सकता है। उस बिंदु पर लोच शून्य है जहां मांग वक्र समस्तरीय अक्ष से मिलता है तथा उस बिंदु पर अनंत है जहां मांग वक्र ऊर्ध्वस्तर अक्ष से मिलता है। मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक। वस्तु की प्रकृति पर मांग की लोच। मांग की कीमत लोच कभी कभी वस्तु की प्रकृति और उस वस्तु के कुछ निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, जीवन के लिए खाद्य पदार्थ अति आवश्यक वस्तु है। कीमतों में वृद्धि होने से उसी स्तर पर उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन विलासिता की वस्तुएं सामान्य नियम का अनुसरण करती हैं, अर्थात कीमतों में वृद्धि होने से उनकी मांग में कमी आती है। इस प्रकार दैनिक उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमत लोच बेलोचदार होती है, लेकिन विलासिता और अन्य वस्तुओं की कीमत लोच अधिक लोचदार होती है। लोच और व्यय। यदि किसी वस्तु की मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक है तो वस्तु पर होने वाला व्यय कम हो जाएगा। इसके विपरीत परिस्थिति में व्यय बढ़ जाएगा। यदि प्रतिशत मात्रा में कमी कीमत में प्रतिशत वृद्धि के बराबर हो तो वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहेगा। दूसरी ओर यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट की तुलना में अधिक है तो वस्तु पर व्यय में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट की तुलना में कम है तो वस्तु पर किए गए व्यय में गिरावट आ जाएगी। जब मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होती है तो वस्तु की कीमत लोच कही जाती है। वस्तु पर किया गया व्यय उसी दिशा में परिवर्तित होगा जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन होगा। ये केवल तब होगा
जब मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होगा। व्यय तब स्थिर रहता है। मांग वक्र और आयताकार अति परवलय। जब मांग वक्र का आकार आयताकार अति परवलय के जैसा होता है तो ये नीचे की ओर प्रवणता वाला वक्र बन जाता है। यहाँ वक्र पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं पर ग्राफ के ऊर्ध्वाधर लक्ष्य पर दो निर्मित आयतों का क्षेत्र समान होता है। वहां कीमत गुणा मात्रा स्थिर रहती है। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक होती है जो उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। सभी संभावित बंडलों के संग्रह के विषय में उपभोक्ता के सुस्पष्ट अधिमान हैं। वो उन पर अपनी अधिमानता के अनुसार उनका श्रेणीकरण कर सकता है। अनधिमान वक्र सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जो उन बंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ है। अधिमान की एक दृष्टता से अभिप्राय है कि अनधिमान वक्र की प्रवणता नीचे की ओर है। उपभोक्ता का अधिमान सामान्यतः अनधिमान मानचित्र या उपयोगिता फलन द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक युक्तिशील उपभोक्ता सदा बजट सेट में से अपने सर्वाधिक अधिमानता बंडल का चयन करता है। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा तथा अनधिमान वक्र के बीच स्पर्शिता बिंदु पर स्थित होता है। उपभोक्ता का मांग वक्र वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसका चयन उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर ऐसी स्थिति में करता है जब अन्य वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी रुचियां और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि गिरावट उपभोक्ता की आय में वृद्धि गिरावट के साथ होती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि गिरावट होने के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट वृद्धि होती है। बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। मांग की लोच एक शुद्ध संख्या है। किसी वस्तु के लिए मांग की लोच और उस वस्तु पर संपूर्ण व्यय का आपस में गहरा संबंध है।